अभी आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कौमी असम्बली के 33 हलकों में होने वाले ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा ना लेने का फैसला किया है। सिद्दीक जान हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक जान बताइएगा, ये फैसला क्यों किया गया? जी बिल्कुल, इमरान खान साहब ने फैसला किया है कि जो ज़िमनी इंतखाबात हैं 33 नशस्तों पर, उनमें वो हिस्सा नहीं लेंगे। और इमरान खान साहब का पूरा फोकस जो है वो इलेक्शन मुहिम, जो दो सूबों में इलेक्शन मुहिम चलेगी उसके ऊपर रहेगा, और उसके लिए वो मुहिम चलाएंगे। और साथ ही आम इंतखाबात जिसकी तैयारी तहरीक इंसाफ ने शुरू कर दी है उन पर उनका फोकस रहेगा। टिकटों की तकसीम पर इमरान खान का फोकस रहेगा, और इमरान खान जो है वो आम इंतखाबात की तैयारियां करेंगे, दो सूबों में इलेक्शन की तैयारियां करेंगे, क्योंकि दो सूबों में इलेक्शन तो बहरहाल होने ही है। 90 दिन नजर यही आ रहा है कि दो सूबों में फोकस इन दो सूबों में रहेगा। तो इमरान खान ये भी चाहते हैं कि जो उम्मीदवार हैं उन हल्कों में जिन्होंने जो मुस्ताफी हुए हैं वही वहां से इलेक्शन लड़े, और उसकी एक वजह यह भी है कि वो अभी जब इलेक्शन की कंपेन करेंगे तो आम इंतखाबात होते हैं या ज़िमनी इंतखाबात पहले हो जाते हैं, तो उससे ये होगा कि वही जो उम्मीदवार हैं जो तहरीक इंसाफ के, इस बारे में आपने हमें आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका।